बोल रहा है क्या क्या वहां वर्क निकालना है और दिया 4 मीटर तक टिल 4 मीटर इन द ग्राफ, ठीक है। तो वर्क निकालना है, ग्राफ दिया हुआ है, वर्क निकालना। हम कल क्या बताए थे, वर्क निकालने के लिए जस्ट एरिया निकाल दो, क्या निकाल दो, एरिया। तो इसका एरिया निकाल दो, ये एरिया क्या देगा, ये एरिया दे देगा तुम्हारा वर्क दे देगा, ठीक। तो अब इसका एरिया निकालो भाई साहब, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, याद है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हाफ हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होगा, देखो इसकी लंबाई कितना हो गया यहां से यहां तक, तो ये कितना है यहां से यहां तक, ये है कितना 2 मीटर, और ये यहां से यहां तक कितना है 4 है, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो गया 2 प्लस 4, और हाइट कितना है, ये हाइट है, ये कितना है 10 इंटू 10, तो क्या हो गया 2 6 हो गया इंटू 10 हो गया, कट गया 3, 30 जूल आंसर आ गया, इतना आसान। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम नहीं पता है तो दूसरा तरीका क्या है निकालने का, दो यहां पे, हाँ एक स्क्वायर जोड़ दो और यहां से ट्रायंगल का एरिया जोड़ दो, स्क्वायर प्लस ट्रायंगल का एरिया को जोड़ देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला पता है तो सही है, नहीं क्या ऑफिस का फोन है, हाँ नंबर रखे हैं, तेरा हेड़े तुम क्या करे मेरे क्लास में, सब हीरो बन गई है यहाँ पे, चल ये समझ में आ गया। दूसरा देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक ब्लॉक है जिसका मास m दिया हुआ है और वो ओरिजिन पे है, उस हाँ उस पे फोर्स लग रहा है इतना, फोर्स क्या है देखो, फोर्स लग रहा है कितना, फोर्स लग रहा है 2x प्लस 2, और ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल है, हाँ ले सकता है, ठीक है। उसके बोलता है कि फोर्स इस प्रकार लग रहा है कि वह इस पोजीशन में पहुंच गया, ओरिजिन से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पी पॉइंट पे, ठीक है, और टाइम 0 पे u 0 दिया हुआ है, बताओ वर्क डन कितना होगा, ये फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ फोर्स कितना दिया हुआ है 2x प्लस 2, और ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल है, और हम बताए थे जब वेरिएबल फोर्स होगा उस समय वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, w = F(dx), ये फॉर्मूला होगा। यहाँ फोर्स दिया हुआ है तुम्हारा एफ 2x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो खेद है, इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे 2x (2x) + 2 (dx), ठीक। अब यहाँ से जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 (x²/2) + यहाँ पे आएगा 2x, ये कट जाएगा तो कितना आ गया x²/2x आ गया वर्क। हाँ इतना आ गया, ठीक है, रुको नहीं यार। तो यहां तो वर्क कितना गया हमारा, ये आ गया है x²+2x। अब जो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसका पोजिशन डिस्प्लेसमेंट कहा, 0 से कहां पहुंच गया है x = 5 पे, 0 से कहां पहुंच गया है x = 5 पे, ठीक है। यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 से 5 में, तो अब देखो यहाँ इसी थोड़ा यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे w = क्या आ गया, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हो रहा है, 0 से 5, ठीक है। तो अब यहाँ सॉल्व करें तो क्या होगा, 2x² / 2
जीरो से फाइव प्लस टू एक्स जीरो से फाइव। ठीक, अब यहाँ पुट करो वैल्यू, तो दो पहले फाइव पुट करेंगे, टू फाइव का स्क्वायर बाय टू, ठीक है, प्लस टू इंटू फाइव, ठीक है। अब माइनस जीरो पुट करें जीरो, जीरो पुट करें जीरो जीरो, तो कितना हो जाएगा बताओ, पच्चीस दो या पचास, दो प्लस दस, ये कट जाएगा पच्चीस, तो पैंतीस जूल हो गया। बात समझ में आया, किसी किसी को ये इंटीग्रेशन समझ में नहीं। तो अभी दो क्या बताएं, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, फोर्स का फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, ये कुछ दिया हुआ मतलब फोर्स दिया हुआ है, ऐसा बोलते हैं फोर्स दिया हुआ है एफ एक्स। अभी क्या दिया था, फोर्स को दिया था टू एक्स प्लस टू, मतलब फोर्स किसका फंक्शन था, एक्स का फंक्शन था, फोर्स एक्स का फंक्शन था। उस समय में हमारा वर्क का फॉर्मूला आराम से हो जाता था एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ नोटिस करने वाला बात है, यदि यहाँ x था तो यहाँ भी x था, लेकिन सपोज करो कि हम ऐसा दे दें, क्वेश्चन दे दें कि फोर्स दिया हुआ है टू टी स्क्वायर, अब बोलेंगे फाइंड करो वर्क, फाइंड करो वर्क कहाँ से, फ्रॉम समय जीरो था से लेकर के समय टू सेकेंड तक, ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो कैसे फाइंड करोगे। ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकती हो, ये फॉर्मूला तुम यदि ये फॉर्मूला तुम यूज करोगी तो यहां पे जो टाइम का फंक्शन है, यहां पे एक्स है, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते यहां पे। बस समझ में आ रहा है, यहां पे एक्स है तो यहां भी एक्स है, तो यहां पे फंक्शन एक्स का होना चाहिए, मतलब सवाल कुछ ऐसा होगा टू एक्स प्लस टू होगा या टू एक्स स्क्वायर होगा या टू एक्स का क्यूब, ऐसा कुछ होगा एक्स के फंक्शन में होगा, लेकिन यहाँ पे समय के फंक्शन में दे दिया, टाइम के फंक्शन में, तो ये सवाल यहाँ फूट नहीं करेंगे, ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस समय में हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करने का कोशिश करेंगे। तुम लोग ट्राई करके बता सकती हो उसका आंसर क्या होगा, बता सकती हो क्या? चलो नहीं बता सकते, छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ पे यहाँ थ्योरी लिखा है, थ्योरी सवाल को बात देखने, थ्योरी है, थ्योरी वाला सेक्शन देखो। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं मास, और एक्सेलरेशन लिख सकते हैं डीवी बाय डीटी। बता कोई दिक्कत इसमें, एक्सेलरेशन और डीवी बाय डीटी लिखने में, देवानंद कोई दिक्कत एक्सेलरेशन डीवी बाय डीटी लिखने में, हैं? ऐसा ऐसा यहाँ वर्क है हमारा, वर्क तो वर्क को ऐसा लिख सकते हैं, बताओ वर्क हम अभी अभी तक क्या लिखे, वर्क का यही फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क का ये फॉर्मूला जानते हैं, वर्क का ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं यहाँ पे डी टी से गुना करते हैं, यहाँ पे डी टी से डिवाइड करते हैं, गुना करते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ हो गया वी इंटू डी टी, हो गया डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है वेलोसिटी, नहीं हो रहा है इसमें, इससे कुछ आंसर नहीं आ रहा है, दूसरा तरीका देखना पड़ेगा, बेटा तो छापो तो सोचते हैं कैसे बनेगा, कहाँ छापना, यहाँ से छापो तो, दो मिनट था, दो मिनट में पानी पिलाएगा क्या, लेकर चल देखो। अभी तो हमने तो वर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं, वर्क का जो फॉर्मूला पढ़े क्या पढ़े हैं,
वो पर है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये पर है। लेकिन इस सवाल में क्या देख रहे हो, फंक्शन देख रहे हो किसका, समय का, सॉरी यहाँ फंक्शन बोलते फोर्स देख रहे हो, किसका फंक्शन है, समय का फंक्शन है। लेकिन वर्ग का फॉर्म क्या देखते हो, यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ भी एक्स होता है, टाइम का फंक्शन है नहीं। तो यदि हमारा वर्ग का फॉर्मूला निकालना है और ये दिया हुआ है टाइम का फंक्शन, लेकिन हमको पता है यहाँ एक्स होता है और यहाँ देखो ये है एक्स और यहाँ टाइम टी है, तो ये इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, नया थ्योरी डेवलप कराना पड़ेगा। नया थ्योरी डेवलप क्या करा रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई। दो फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स का जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स ये हमारा फोर्स है, दैट मीन्स है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये रहा, इनमें dx है तुम्हारा, ठीक। इस dx को यहां से क्या करो, डिवाइड कर दो dt से और यहां गुना कर दो dt से, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला है, ये यहां से यहां तक, फोर्थ की जगह दिया हुआ है टाइम का फंक्शन और ये dx है। ये इंटीग्रेट होगा नहीं, उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, यहां पर dt से गुना भी कर रहे हैं। अब देखो हमको पता है dx by dt ये क्या होता है, तो होता है vt होता है, dx by dt क्या होता है vt होता है। तो यहां से वर्ग इक्वल टू क्या लिख देंगे, दो ये तो फोर्स है तुम्हारा, ये क्या है फोर्स है ft, तो ये क्या है तुम्हारा वेलोसिटी है vt और ये क्या हो गया dt। तो फोर्स वर्ग का क्या फॉर्मूला हो गया ft vt dt, ft vt dt। तो वर्ग मॉडिफाई करने वाला वर्ग का क्या फॉर्मूला आ गया, तो वर्ग इक्वल टू आ गया, यहां हो गया ft, यहां हो गया vt और यहां हो गया dt, कोई दिक्कत बा, ठीक। तो आप बताओ यहां पे, यहां vt दिया हुआ कहीं पे, नहीं दिया है। सबसे पहला काम तो होगा vt निकालो इससे, फिर यहां पुट करो, फिर ft पुट करो, फिर सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे सवाल को, तो यहां जो सवाल में क्या दिया है फोर्स इक्वल दिया हुआ है टू टी स्क्वायर। तो सबसे पहले यहां से एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटा मास, मान लेते हैं मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है। तो यहां पर हो गया 2t² / 1, हो गया 2t². अब जो एक्सेलरेशन होता है dv/dt, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, ये दिया हुआ है 2t², तो dv कॉस्ट क्या हो गया 2t² × dt हो गया। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करो, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, यहाँ हो गया dv और यहाँ पे हो गया 2t² × dt, ठीक है। तो यहाँ हो गया v का सूत्र कितना हो गया, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2t³/3, इतना आ गया v, इतना आ गया v, इतना आ गया। वर्ग का फॉर्मूला भी बताए थे, वर्ग का सूत्र क्या होगा तुम्हारा ft vt dt, ft दिया हुआ ये रहा एफ 2t² vt भी निकाले हैं 2t³/3 dt और यार टाइम दिया हुआ कहां से कहां तक, समय दिया है 0 से 2 सेकंड तक, 0 से 2 सॉल्व कर दो, 0 से 2 4t³/3 dt सॉल्व करेंगे, आप 4/3 बाहर निकालो, t³/5 हो गया t³/6/6, 0 से 2। अब यहाँ सॉल्व करें तो क्या होगा, देखो 4/3 2² × 2⁶/6 सॉल्व कर दो, इतना आंसर आएगा, जरूर ठीक। इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता है थोड़ा पेशेंस रखेगा, इंटीग्रेशन इसके बाद हम पढ़ाएंगे, इस क्लास के बाद इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, ठीक है।
ठीक है, इस क्लास का हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। चलो ये हो गया पांचवा, ये हो गया, ठीक है समझ में आ गया। इसीलिए हम यहाँ क्या बताएं, वर्क का एक फॉर्मूला बता दिया तुम्हारा, क्या fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, और दूसरा वर्क का फॉर्मूला क्या बता दिए, इंटीग्रेशन ऑफ ft इंटू vt इंटू dt। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर वन देखो, ठीक है, सिर्फ वर्क से रिलेटेड है। यदि तुम्हारा फोर्स दिया हुआ है क्या 2i cap + 3j cap, ऐसा फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई साहब, 2i cap + 3j cap। और ये चारा कहां से, ये जीरो जीरो से स्टार्ट होकर गया है, कहां पे 2 और 4 पे गया है, बता दो। यदि तुम्हारा फोर्स इक्वेशन दिया हुआ है fx i cap + fy j cap, ऐसा दिया हुआ है, मुझे पता नहीं था, ठीक लो, फोर्स दिया हुआ है fx i cap + yj cap, और डिस्प्लेसमेंट मान लो दिया हुआ है dx, डिस्प्लेसमेंट है वो दिया हुआ है तुम्हारा dx i cap + dy j cap, ऐसा दिया हुआ है, समझ में आया। फोर्स दिया हुआ है fx i cap + fy j cap एंड डिस्प्लेसमेंट है dx i cap + dy j cap, ठीक, तब क्या होगा यहाँ पे, जो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बताया था, वर्क इक्वेशन क्या होता है, वर्क dw ऐसे लेते हैं, dw f.ds, f वेक्टर डॉट क्या होगा ds वेक्टर, बताए थे वर्क क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट किसका है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो यहां पे तुम्हारा फोर्स क्या है भाई साहब, ये रहा fx i cap + fy j cap, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा dx i cap + dy j cap। अब दोनों का डॉट लगा, ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, तो हो गया fx dx + fy dy। dw क्या हो गया, fx dx + dy dw, इंटीग्रेट कर देंगे सबको, अब यहां ये हो गया तुम्हारा डब्लू fx dx + ∫fy dy, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला वर्क निकालने का, ठीक। अब यहां से देखो इसी फॉर्मूला से वर्क निकलेगा, तो वर्क उससे क्या होगा, देखो fx dx + fy dy, लिमिट देखो ये दिया है 0 से 2, x में कितना है, ये x है और ये वाला है y, ये y है होता है, तो x में है 0 से 2 0 से 2 0 से 4, ठीक, 0 से 2 fx कितना दिया हुआ है 2 dx, 0 से 4 fy, ये है fy, ये क्या है fy, और ये क्या है fx है, देखो ना यहाँ पे कंपेयर करो, ये x इसे कंपेयर कर दिए, ठीक। चलो 4 है dy, इसको सॉल्व करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे 0 से 2 dx, 4 बाहर निकालेंगे 0 से 4 dy, तो क्या 2 इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x 0 से 2 + 4 dy से 0 से 4, तो ये आराम से हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया यहाँ पे, 4 से 16 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 20 जूल, आंसर कितना आ गया 20 जूल, कोई दिक्कत, ठीक है, आंसर सही है ना, ए, ए, ए यहाँ पे f3 है, 4 डाल दिया, थ्री है यहाँ पे, ध्यान दिया करो यार, 0 से 4 fy, fy की जगह क्या है 3 है,
डी वाई हो गया थ्री, थ्री हो गया जीरो से फोर डी वाई हो गया थ्री वाई जीरो से थ्री हो गया तीन तीन नौ हो गया नौ चार तेरह जूल। तो ऐसा सवाल दे देंगे, सवाल नंबर दो, फोर्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप और सेम है डिस्प्लेसमेंट वही मान लेते हैं जीरो जीरो से गया मान लेते हैं टू फोर कुछ भी मान लेते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं वर्क फॉर्मूला बताएं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई ठीक। अब यहाँ देखो वर्क एफ एक्स यहाँ क्या है, देखो एफ एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एफ वाई क्या है यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो एक्स कहाँ जा रहा है जीरो से टू जा रहा है जीरो से टू एफ वाई क्या है वाई कहाँ जा रहा है जीरो से फोर ठीक। इसको सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब बाय थ्री जीरो से टू ये हो गया वाई स्क्वायर बाय टू जीरो से फोर दो का क्यूब बाय टू प्लस चार का स्क्वायर बाय टू दूसरा चार दूना आठ बट्टा दो प्लस सोलह बट्टा दो आठ चार आठ चार बारह जूल कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत सवाल नंबर दो में दिक्कत आनंद क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू समझ में आ गया ना ठीक। क्वेश्चन थ्री में क्या है क्वेश्चन थ्री देखो तीसरा क्वेश्चन अरे क्या क्वेश्चन नंबर थ्री देखो यहां पे फोर्स दिया हुआ है इतना एक्स स्क्वायर ऐसा फोर्स दिया हुआ है टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप ऐसा दिया हुआ वाई नहीं ठीक। अब डिस्प्लेसमेंट है जीरो जीरो से लेकर के टू टू फोर तक मान लेते हैं। तो अब देखो वर्क निकालने का फॉर्मूला भी जस्ट बताया तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स और एफ वाई डी वाई खिड़की बंद करो तो खिड़की बंद करो ना। अब यहाँ पर एफ एक्स क्या है देखो टू एक्स वाई है डी एक्स प्लस अब यहाँ एफ वाई देखो क्या है एक्स स्क्वायर है डी वाई है देखो यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है इंटीग्रेट नहीं होगा यहाँ पे वाई है यहाँ एक्स है इंटीग्रेट नहीं होगा क्योंकि इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है यदि यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो यहाँ पे भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए यदि यहाँ पे वाई का फंक्शन है ऐसा वाई है तो यहाँ भी वाई होगा यदि यहाँ जेड का फंक्शन है तो यहाँ भी जेड ही होगा समझ में आ रहा बात। यदि ऐसा है यहाँ एफ एक्स है और यहाँ डी जेड है तो इसको इंटीग्रेट तुम नहीं कर पाओगे। सिमिलर यहाँ देख रहा है कि यहाँ एक्स है यहाँ पे वाई दिख रहा है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है यहाँ वाई दिख रहा है यहाँ एक्स है इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक तरीका क्या है देखो इसके लिए क्या तरीका है यहाँ पे यदि डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले जो क्या करना पड़ता है देखो जब बताए डॉट प्रोडक्ट है डॉट प्रोडक्ट यू इंटू वी का फॉर्म है पहले एक को बाहर निकालो इसको डिफ्रेंशिएट करो डी वाई प्लस वाई को बाहर निकालो टू एक्स करो डिफ्रेंशिएट टू एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा टू एक्स डी एक्स होगा। तो यहां देखो क्या आ गया यहां आ गया टू एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई आ गया। तो देखो यहां पे टू एक्स वाई डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई ये है तो इस पूरे को ये लिख सकते हैं ऐसा ये दो पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स वाई डी वाई ठीक है। अब देखो हमको पता है कि ये और ये खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाता है तो ये हो गया बच गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई मतलब इतना का जो इंटीग्रेशन करोगे तो इतना आंसर आएगा। ये डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगाए हैं यहाँ कुछ उल्टा मेथड लगाए हैं सॉल्व करने के लिए और ये हर केस में नहीं हो पाएगा
यदि यहाँ पे वाई डाल देते तो नहीं हो पाता, समझ में आ गया। तो अब इसका अब यहाँ पे पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है 2 है मैक्सिमम, तो 2 का स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है 4 है, 4 तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16 जूल हो गया, ठीक है। तो ये जनता इसको डिफ्रेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कर पाए, क्योंकि इस पूरे को हमको इतना के टर्म में लिख पाए। यदि इस पूरे को इतना के टर्म में नहीं लिख पाते तो कभी भी हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ क्या दिख रहा था, वाई दिख रहा था। इस पूरे को इंटीग्रेट तभी कर पा रहे हैं जब हम इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, समझना। इसी को बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म, परफेक्ट डिफरेंशियल मतलब हम इंटीग्रेट तब कर पा रहे हैं जब ये क्या है परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में है, समझ में आ गया। तो तीसरा ये जो है ना ये जो है तुम्हारा परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में आ रहा है तभी इसको इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। यदि परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं होगा तो मानो वर्ग का फॉर्मूला क्या ले देते हैं 2xyi प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई जे कैप ऐसा लिख देते हैं। अब यदि इसका यहाँ e4 से सॉरी, अब यदि हम वर्ग निकालते हैं fx dx प्लस fy dy, हाँ यहाँ से f है तुम्हारा 2x dx और y है एक्स स्क्वायर y dy, इसको यहाँ से अब सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको इस फॉर्म में तोड़ नहीं पाएंगे, इस फॉर्म में इसको नहीं लिख पाएंगे, मतलब इसको परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। अब हम सब सिखाएंगे कि परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा कैसे जाता है, लिखने का तरीका हम सिखाएंगे, बस फोर टाइम यह समझो कि इसको परफेक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक और क्वेश्चन है तुमको समझाने की कोशिश कर देता था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या एफ इक्वल्स टू ले रहे हैं, फोर्स ले रहे हैं 2y i कैप ले रहे हैं, 2y ले रहे हैं i कैप। अब यहां से वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा बताओ, f इंटू dx, f क्या दिया है 2y दिया है, यहाँ dx दिया है, देखो यहाँ x और यहाँ y है, क्या हो गया फंस गए, क्या हो गया फंस गए, फिर से यहाँ पे फंस गए, ठीक है, फिर से हम फंस गए। तो हम मान लेते हैं कि जा रहा है 0-0 से कहाँ 2 और 4 पे जा रहा है, मान लेते जीरो जीरो से कहां जा रहा है 2 और 4 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्व कब होगा बताओ, ये सॉल्व कब होगा। यहां पे देखो यहां वाई दिख रहा है, यहां एक्स दिख रहा है, कभी इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, फंस गए। लेकिन ये सॉल्व कब होगा पूछ रहे हैं, सॉल्व कब होगा, जब y जो है fx के फॉर्म में हो। यदि y जो है x के फंक्शन में हो, जैसे y को से कुछ दिया है, y को से 2x दे दिया, तो अब सॉल्व हो जाएगा। तो वहां 2x पुट करके सॉल्व कर देगा, 4x इंटू dx हो गया, तो 4x इंटू dx क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, कट जाएगा 2x स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये मानो y को से x स्क्वायर दिया रहे, कुछ भी ऐसा दिया रहे तो y का वैल्यू यहां पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहां कुछ पता नहीं है, तो चलो अपने मन से मानते हैं। हमको ये पता है कि ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ है कहानी, गया कहाँ पे, यहाँ ए तक पहुँच गया, ए का कोऑर्डिनेट है 2, 4। तो हम मानते हैं क्या कि सपोज करो कि ऐसा गया हुआ, मान लेते हैं हमको पता नहीं, हम मान लेते हैं ऐसा गया हुआ पहला बार में, ये बोल देते हैं पाथ 1। दूसरा हम बोल देते चलो ऐसा नहीं गया, ऐसा गया है,
ये बोल देते पार्ट टू। जो पहला पाथ है ना, स्ट्रेट लाइन का पाथ है। पहला पाथ है वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू क्या होता है? x। y इक्वल टू x होता है, ठीक। y इक्वल टू क्या होता है? x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दूसरा तो दूसरा लाइन है वो कैसा है? तो कौन सा लाइन है? ये पैराबोला है। ये क्या है? पैराबोला। नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, सब बता देंगे। किसी को मैथ कुछ नहीं जानता है। पैराबोला का क्वेश्चन पता है क्या होता है? y इक्वल टू x स्क्वायर। y इक्वल टू x होता है। पैराबोला का क्वेश्चन होता है y इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? यदि कोई पार्टिकल इस पाथ वन से जाएगा तो उसका क्या फंक्शन होगा y का? x, y इक्वल टू x होगा। यदि कोई पार्टिकल पाथ टू से जाएगा तो उस केस में y किसका फंक्शन होगा? x स्क्वायर का फंक्शन होगा, ठीक है। और हम तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे जब y का हमें कुछ फंक्शन पता रहे x के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पर फंक्शन पता चल गया है, तो अब इसको सॉल्व करने का हम कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, ठीक। जो सब पहला केस वन मानते हैं, केस वन में पाथ वन को कंसीडर करते हैं, पाथ वन को कंसीडर किए। यहाँ पे देखो क्या हो गया, टू हो गया, यहाँ पे वाई है। वाई की जगह पाथ वन में क्या है? वाई का फंक्शन किसका है? एक्स। तो वाई की जगह क्या लिख देंगे? एक्स डी एक्स, ठीक। कहाँ? जीरो से टू सॉल्व करेंगे। कितना हो गया? 2x² / 2, ये कट गया, हो गया एक्स स्क्वायर। कहाँ से आ रहा है? 0 से 2। कितना आंसर आ गया? 4 जूल आंसर आ गया। कितना आ गया? 4 जूल आंसर आ गया। पाथ टू जब पाथ वन से जा रहे थे यहाँ पहुंचे, तो कितना आ रहा है आंसर? ये आंसर आ रहा है 4 जूल। अब पाथ टू से जा रहे हैं, केस टू में देख रहे हैं, केस टू इसमें लिख रहे हैं पाथ टू। अब देखो यहाँ पे वर्क क्या होगा? वर्क, ये वर्क निकाल रहे हैं हम लोग एफ। ये क्या वर्क का फॉर्मूला? 2y dx है, और पार्ट टू में y का किसका फंक्शन? x स्क्वायर का फंक्शन है। यहाँ x स्क्वायर डाल दो dx, सॉल्व करो तो क्या 2 और x³/3। और x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 तक है, 0 से 2 हो गया 2/3 × 2³, 2/3/8, 16/3 जूल। अब वो क्या हुआ? जब हम पाथ वन से जा रहे थे उस समय वर्क कितना आया? 4 जूल। जब पाथ टू से जा रहे थे उस समय वर्क कितना आया? 16/3 जूल। इसका मतलब यह हुआ कि वर्क जो है तुम्हारा दोनों पाथ पे क्या है? अलग अलग है। वर्क क्या है? दोनों पाथ पे अलग अलग है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? वर्क जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है। क्या बोलेंगे? वर्क इज डिपेंडेंट अपॉन, क्या बोलेंगे? वर्क जो है इज डिपेंडेंट, एक सेकेंड, डिपेंडेंट अपॉन द पाथ। पाथ पे डिपेंड कर रहा है। एग्जाम्पल में क्या देखें कि पाथ वन से यदि हम जा रहे थे, उस समय वर्क हमारा कितना आ रहा था? 4 जूल आ रहा था। जब हम पाथ टू से जाना शुरू किए, पाथ टू अपनाए, उस समय हमारा वर्क कितना आ गया है? 16 जूल आ गया है, 16/3 जूल आ गया है। दैट मीन दोनों पाथ में, डिफरेंट पाथ में डिफरेंट वर्क आ रहा है, डिफरेंट पाथ में डिफरेंट वर्क आ रहा है। बात समझ में आया? डिफरेंट पाथ में डिफरेंट वर्क आ रहा है। पाथ जो है किसका है? पाथ फंक्शन है। इसलिए लिख सकते हैं यहां पे वर्क क्या है? वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे, ठीक है। वो वर्क किस पे डिपेंड करता है भाई साहब? पाथ पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।
अब देखो शुरू में जो चार क्वेश्चन करवाए थे याद करो, ये वाला क्वेश्चन, ये जो ये क्वेश्चन है इसमें तुम वर्क निकालोगे ये पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पहला वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो आराम से सॉल्व हो गया था, ये वाला ये भी आराम जो आराम से सॉल्व हो गया था ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुश्किल लेकिन सॉल्व हो गया था, ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन चौथा वाला क्वेश्चन था ये वाला चोट्टा, ये वाला चोट्टा, ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक y का फंक्शन नहीं गिवेन होगा fx के बराबर, सॉरी fy के बराबर। जब तक y का पद हो, यहां तो सॉल्व हो जाएगा कहानी, यहां पे भी नहीं सॉल्व होगा, यहां पे भी x को पता, यहां पे भी y को पता होना चाहिए, यहां पे भी फंक्शन x के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे भी जो फंक्शन, यहां पे भी जो तुम्हारा देखो, यहां पे तुम्हारा तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक इसका फंक्शन पता नहीं होगा हमको। मतलब y का जो फंक्शन है ये हर पाथ पे अलग अलग होगा, y का वैल्यू क्या होगा, यदि स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं तो y = x हो रहा है, पैराबोलिक जा रहे हैं तो y = x स्क्वायर हो जा रहा है, यदि क्यूबिक पाथ पे जाएंगे तो x = क्यूबिक हो जाएगा, यदि तुम्हारा मॉडुलस वाला पाथ पे तो समझ में आ रहा है, हर पाथ पे y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, y का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा तो y का डिफरेंट डिफरेंट वर्क आएगा। इसीलिए बोल रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है ये पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड डिपेंड करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री जो करवाए थे, इस तीनों में वर्क हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, किससे होगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर में वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा, वर्क हमारा पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फोर में हमारा जो फंक्शन था वहां पे 2y = dx था, ऐसा करके कुछ आ गया था, ठीक है, जहां पे ऐसा 2y नहीं था, यहां पे सिर्फ y था, ऐसा कुछ था, y = dx आ गया था, और ये परफेक्ट डिफरेंशियल भी नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे y का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग फोर्स होगा और अलग अलग फोर्स के लिए अलग अलग वर्क होगा, बात समझ में आया। इसीलिए क्वेश्चन नंबर चार था तुम्हारा, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत यहां तक, तो अब याद करो क्वेश्चन नंबर वन में फोर्स कैसा था, याद करो वो था f = 2i + 3j लिखे थे। तो ये क्या, देखो ये दो है यहां तीन है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, ये कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है। क्वेश्चन नंबर टू को याद करो, क्वेश्चन नंबर टू में फोर्स कैसा लिखे थे, ये देखो यहां पर लिखे थे x i cap + y j cap, ऐसे कुछ लिखे थे, ऐसा ही कुछ था, मतलब i की जगह x था, y की जगह y था, ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्म था। तीसरा फॉर्म कैसा था, तीसरा फॉर्म था ऐसा कुछ लिखे थे 2xy i cap + यहां पे लिखे थे x² j cap, ऐसा लिखे थे, और इसको बोलते ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल फॉर्म, इसका क्या नाम दिए थे, ये परफेक्ट डिफरेंशियल है। हम भाई बताएंगे कि कैसे पता करते हैं कौन परफेक्ट डिफरेंशियल है कौन परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, पता करने का तरीका बताएंगे, अभी तो हम बस ये बता रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन बताया जहां पे कांस्टेंट लगल था, सिर्फ कांस्टेंट था, दो और तीन था, एक्स वाई कुछ नहीं दिख रहा था, वो वाला कांस्टेंट फोर्स हो गया तुम्हारा। दूसरा में दिख रहा था x i cap + y j cap वाला फॉर्म दिख रहा था, मतलब आई एक्सिस की तरह एक्स लगल है, वाई के वाई जे में तुम्हारा वाई लगल है, सिंपल दिख रहा था, सिंपल फॉर्म दिख रहा था। तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म परफेक्ट डिफरेंशियल का फॉर्म था, पता कर अभी हम बताएंगे कि कौन सा फॉर्म परफेक्ट डिफरेंशियल है कौन सा फॉर्म परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ठीक। ये जब ये तीनों फोर्स था उस समय, तीनों फोर्स में हमारा वर्क जो आ रहा था वो कैसा था, ये वर्क हमारा पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जो चौथा नंबर का तुम्हारा फोर्स था ये कुछ था f = 2xy i cap + 2x
ऐसा कुछ था एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, जहाँ पे वाई के कारण यहाँ सारा लफड़ा हो गया। यदि वाई यहाँ पे नहीं रहता तो दोनों सेम हो जाता, तो दोनों लगभग सेम है, लेकिन बस यहाँ वाई का लफड़ा है। और वाई का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगा, फोर्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए और वर्क डिफरेंट डिफरेंट आएगा। इसके लिए मतलब हुआ कि पाथ क्या, ये तुम्हारा पाथ पे डिपेंड करेगा। ऐसा लिखेंगे जब वैन इट इज नॉट डिफरेंशियल फॉर्म, इट इज नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल। ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है, परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं, लिख दीजिए नॉट, लिख दीजिए तो नहीं, ये परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तुम्हारा पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंड करेगा। बात यहां तक क्लियर है, चार क्वेश्चन कराए, तीन केस में पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, एक केस में पाथ पे डिपेंड करेगा। पहला केस क्या था, कॉन्स्टेंट फोर्स, तीसरा था तुम्हारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वाला फॉर्म होगा, ठीक है। आराम सिंपल फॉर्म होगा, मतलब फोर्स दे दिया है टू एक्स आई कैप प्लस फाइव वाई स्क्वायर जे कैप, ये कहते हो, ये बताओ ये फोर्स से वर्क डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो ये वाला फॉर्म नहीं दिख रहा था, मॉडल आई के साथ एक्स है, वाई के साथ वाई की जगह है, हाँ पाथ इंडिपेंडेंट होगा ये, ठीक है। यदि तुम्हारा कोई कॉन्स्टेंट फोर्स होगा, मान लो ऐसा कुछ दिया रहे एफ इक्वल्स टू फोर आई प्लस फाइव जे दिया हो, तो भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा इसका वर्क। यदि डिफरेंशियल फॉर्म दिया हुआ है, अभी हम बताएंगे कैसे पता करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, तो भी पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इन तीनों केस में फोर्स, इन दोनों केस का जो फोर्स निकाला गया वर्क है, पाथ इंडिपेंडेंट है। चौथा नंबर का जो फोर्स देख रहे हैं उसके कारण क्या हो रहा है, पाथ डिपेंडेंट हो रहा है। यहाँ वाला ये फोर्स देख रहे थे, ये वाला फोर्स, इस फोर्स के द्वारा निकाले हम दो पाथ का वर्क निकाले। पहला पाथ का वर्क 4 जूल था, दूसरा पाथ का वर्क 16/3 जूल था, दोनों पाथ में डिफरेंट डिफरेंट वर्क आया था, ठीक है। यहाँ से समझ आया, जब दोनों पाथ में डिफरेंट डिफरेंट वर्क आ रहा है, इसी के आधार पे फोर्स को दो प्रकार का डिवाइड किया। आप दो प्रकार का फोर्स देख रहे हैं, एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड कर रहा है। हुआ दो हुआ नहीं हुआ, यहां बताओ। तो यहां हम बोले क्या, फोर्स का दो कैटेगरी हो गया, ठीक है। वर्क पाथ पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इस आधार पर वर्क का दो कैटेगरी बनाया गया। क्या स्पेल होता कैटेगरी का, भूलिए जाता है कैटेगोरी, ठीक है। दो कैटेगरी बनाया गया, ठीक है। वर्क जो है पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, इसके आधार पे फोर्स का दो कैटेगरी बनाया गया। पहला जो कैटेगरी है उसका नाम क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम है, कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरे का नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या नाम है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ तो यहां पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क यहां पर फोर्स के द्वारा किया गया काम पाथ पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ गया, ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम पाथ पे
रिपेट ना करे उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम पाथ पे डिपेंड करे उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसका एग्जांपल था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, और 3 इसका एग्जांपल था। बात समझ में आया किसी को? कुछ समझ में आया है? ठीक है, तो पहला बताइए आप कहो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, तो क्या डिफरेंस लिखेंगे? दोज फोर्स वह फोर्स जिसका हुज वर्क जो है इंडिपेंडेंट फ्रॉम दी पाथ, किससे हो? पाथ से वह मुक्त हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। कोई दिक्कत यहां तक? तो क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया काम पास से इंडिपेंडेंट हो तो क्या बोले? कंजर्वेटिव फोर्स बोले। जैसे मानो ये हो गया, दो पाथ है, पाथ 1 और पाथ 2, ठीक है, मतलब ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, W1 और W2, ठीक है, दोनों का अलग अलग पाथ है, दोनों का पॉइंट सेम है, ये A है दूसरा P है, इन दोनों यदि यहां पे फोर्स कंजर्वेटिव होगा, यदि फोर्स कंजर्वेटिव है, इफ फोर्स यदि कंजर्वेटिव है तो दोनों का वर्क जो है बराबर होगा, दोनों को द्वारा काम किया गया काम क्या होगा? वो बराबर होगा, दोनों का वर्क क्या होगा? बराबर होगा, ठीक। यदि ऐसा ही मान लो, हम यदि ऐसा मानते हैं कि सपोज ये है, ये तुम्हारे यहाँ फोर्स है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ देखो इसके द्वारा काम किया हमारा W1 हो गया और यहाँ रिटर्न ऐसे आ गया W2, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, W1 जो होगा W2 होगा, ठीक है, लेकिन एक का साइन इधर दे रहे हैं, एक का साइन इधर, इस पर नेगेटिव डाल देते हैं ऐसे करके, नेगेटिव का पास इतना मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक। यदि इसको इधर ले आएंगे तो W1 + W2 क्या हो गया? 0, तो ये क्या होगा? नेटवर्क हो गया, ठीक है, नेटवर्क इन क्लोज लूप, ऐसा लिखते हैं। क्या मतलब हो गया? नेटवर्क इन क्लोज लूप, एक लूप में जो नेट काम है वो क्या है? 0 होगा, नेटवर्क इन क्लोज्ड लूप वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? कर यहां तक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता? दोज फोर्स हुज वर्क इज डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ पे क्या होगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स और ये फोर्स है और यहाँ दो पाथ बना दिए, मगर W1 है और ये W2 है, इसे इसमें W1 जो होगा W2 के बराबर नहीं होगा, इसका बिल्कुल मतलब यही हो गया कि ये फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो कोई दिक्कत?
तो यदि कोई फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल है तो कंजर्वेटिव होगा या नॉन कंजर्वेटिव होगा? परफेक्ट डिफरेंशियल है, कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में परफेक्ट डिफरेंशियल था जो कंजर्वेटिव था। हाँ, बंद हो गया। छापो तो ठीक है, तुम सही बोल रही हो। यहाँ पे कितना होगा, ये y है 0 से 4, यहाँ 3 है, तो 4 थी। अब इसका तो अजीब सिस्टम ही लगता है हमको, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, फोड़िए देंगे सर, सस्तवा मारे सर, ठीक है। तो 3 × 4 है, यहाँ 0 से 4 है, तो यह हो गया, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ 4 हो जाएगा, 4 × 3 = 12 हो गया, और 4 = 16 जूल होगा, ठीक। चलो देखते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स द्वारा वर्क डन निकालना है, ठीक है। देखो सपोज करो ये ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक, ब्लॉक है, ब्लॉक तो पहले देखो यहाँ से यहाँ गया, मूव किया, ये ए मूव किया, यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से ऐसे मूव किया इधर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ ब्लॉक पहुँच गया, ये यहाँ से बी मूव किया, तो हमको बताना है कि वर्क डन बताओ प्रायद फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन कैसे क्या होता है, देखो यहाँ पे दो पाथ मान लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो पाथ है, पाथ दो, पाथ ए बी और उसके बाद है पाथ बी सी, दो पाथ है, ए बी पाथ है पहला और दूसरा पाथ कौन सा है, बी सी पाथ है। तो पहले ए बी पाथ द्वारा वर्क डन कितना होगा, तो पहले फोर्स पता करते, देखो फोर्स इधर लगता है म्यू, एफ फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता है, इधर तुम्हारा जा रहा है, इधर लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा एम जी, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एम जी, माइनस म्यू एम जी, माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया माइनस म्यू और यहाँ एम जी, एक्चुअली म्यू इंटू एन होता है और एन इक्वल टू तुम्हारा एम जी हुआ, हाँ, तो एन की जगह एम जी पुट करते तो म्यू इंटू एम जी हो गया, ठीक है। तो देखो आप पाथ वन का बात करेंगे तो यहाँ पे तो माइनस फोर्स म्यू एम जी, सॉरी म्यू हो गया एम जी हो गया, फोर्स हो गया म्यू एम जी, और डिस्टेंस कितना तय किया, डिस्प्लेसमेंट ए, प्लस इसमें क्या हुआ, इस तरफ बताओ माइनस म्यू एम जी इंटू बी, ठीक, यहाँ से माइनस म्यू एम जी कॉमन ले लेंगे तो हो गया ए प्लस बी, ये हो गया तुम्हारा जब इस पाथ से गया, ठीक, पाथ इसको बोल देते हैं वन, ये पूरा पाथ को क्या बोलते हैं वन, ये डायरेक्ट ऐसे जाता है, ये यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक, उसमें वर्क कितना होगा बताओ, तो वर्क इक्वल टू तुम्हारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है तुम्हारा माइनस म्यू एम जी है, और डिस्प्लेसमेंट बताओ ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा, और ये कितना होगा बताओ, ये होगा ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वर्क क्या हो गया यहाँ से माइनस म्यू एम जी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लो पाथ टू, दो पाथ वन, जब पाथ वन था तो इस समय वर्क कितना था, इतना था, और इस समय वर्क इतना है, मतलब दोनों केस का वर्क क्या है सेम है के बराबर, सेम है कि डिफरेंट है, दोनों दो यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो डिफरेंट है दोनों वर्क क्या है, डिफरेंट है, वर्क क्या है देख रहे हैं, इनडिपेंडेंट ऑफ पाथ देख रहे हैं, सॉरी डिपेंडेंट ऑफ पाथ देख रहे हैं, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पाथ, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स होगा, हाँ फ्रिक्शन फोर्स एक
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। बात समझ में आ गया? कंजर्वेटिव, तो कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव डिपेंडिंग अपॉन दी देयर वर्क डन। यदि वर्क डन पास ये दोनों का वर्क डन सेम आया था तो हो जाता कंजर्वेटिव, ये दोनों का वर्क डन डिफरेंट डिफरेंट आया दैट मींस फ्रिक्शन क्या आ गया, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, चलो यार हम चार क्वेश्चन करवाए थे, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री। इसमें बोले ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है और ये भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है। इसमें तुम्हारा फोर्स था कैसा था याद करो, इसका फोर्स एफ इक्वल्स टू टू आई प्लस थ्री जे, सिंपल कॉन्स्टेंट फोर्स था। इसमें देखो एफ इक्वल्स टू क्या था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब आई के साथ एक्स था वाई के साथ ये था। यदि ऐसा भी होता एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये भी इसी में आता। यदि ऐसा होता टू एक्स, ऐसा टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस फाइव वाई पावर फाइव जे कैप, ये सब एक ही टाइप का फोर्स हो गया और ये सब क्या होता कंजर्वेटिव। यदि इसमें देखे तो तीसरा वाला फोर्स ये था, फोर्स इक्वल टू था टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये था। और हम क्या बोलते हैं ये क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। क्या है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। और जब परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाता है तो उस समय जो तुम्हारा फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है। फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव होता है, ये बात बताए थे। अब हमको पता करना है कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल होने के बाद फोर्स कंजर्वेटिव है तो कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट डिफरेंशियल है या परफेक्ट डिफरेंशियल नहीं है। तो आज अब ये मेरा मेन टास्क है कि कैसे पता करेंगे कि परफेक्ट डिफरेंशियल कौन है कौन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आज के लास्ट टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई द फोर्स इज परफेक्ट डिफरेंशियल और नॉट, है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। ठीक है, बात क्लियर है, कोई परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है। बैटरी डाउन हो गया ना, आप सब फ्यूचर से बंद हो गया होगा। चलो जो हम एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन लिए थे उसी एग्जाम्पल समझते हैं। टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये था दोस्तों। पहला स्टेप क्या करेंगे, स्टेप पहला, ये तो पहला फंक्शन हुआ एफ एक्स बोल देते हैं, ये दूसरा फंक्शन है एफ वाई बोल देते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, इंटीग्रेट करते समय, इंटीग्रेट करते समय x को छोड़ के x वाला फंक्शन को छोड़ के छोड़कर सभी को कांस्टेंट मान लो, सभी को कांस्टेंट के तरह ट्रीट करना, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना। क्या बोले, ये दो फंक्शन हो गया, एक एफ एक्स हो गया, एक वाई हो एफ वाई हो गया। एफ एक्स को इंटीग्रेट करना है किससे, एस के रिस्पेक्ट में। एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, यहां लिख देते हैं एस के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स को देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करते समय x वाला फंक्शन जो x है उसको छोड़ दो, ये जैसे ये x, इसको छोड़कर सभी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक, तो देखो ट्रीट करते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या है, ये एफ एक्स डी एक्स है। तो एफ एक्स हमारा क्या हुआ, ये टू एक्स वाई डी एक्स। बोले क्या, x को छोड़ के, ये x है हमारा, इसको छोड़ के सबको क्या करना है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन का रूल है कांस्टेंट को बाहर निकालो, तो सबको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो दैट मींस कांस्टेंट को बाहर निकालो, 2y को बाहर निकाल दिया। ठीक, अब y निकाल दिया, अब क्या बच गया यहां पे, तो बच गया x dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा,
टू वाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बाय टू आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, ये टू टू कट गया, यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ठीक, रूल नंबर पहला। रूल नंबर दूसरा क्या बोलेंगे, स्टेप वन हो गया ये, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या है दूसरा, आप क्या करना है, एफ वाई को इंटीग्रेट करना, एफ वाई को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में मतलब क्या करना है, यहाँ पे एफ वाई डी वाई करना है। ठीक है, ये करना है, इंटीग्रेट करते समय, इंटीग्रेट करते समय, इंटीग्रेट करते समय y को छोड़कर, y या y का फंक्शन को छोड़कर, सभी को, सभी को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करो, कॉन्स्टेंट की तरह ही ट्रीट करो और सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है, सबको y को छोड़ के सबको किस तरह बिहेव करना है, कॉन्स्टेंट की तरह। अब करो, करके देखते हैं, चलो। ठीक, तो हमारा क्या है एफ वाई डी वाई, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, एफ वाई क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वाई क्या है बताओ, वाई है हमारा कहाँ गया, तो वाई क्या है, ये वाई एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, वाई क्या है ये एक्स स्क्वायर, तो वाई हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर डी वाई। बोलते हैं वाई को छोड़ कर, किसको, वाई को छोड़कर, इसमें वाई तो है ये नहीं है, तो सब, सभी को ट्रीट कॉन्स्टेंट मानो, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर क्या है कॉन्स्टेंट, क्योंकि वाई को छोड़कर सभी को, तो वाई को छोड़कर बच गया एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट मानो, कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, कॉन्स्टेंट क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे, बच गया डी वाई, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या आ गया एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब तीसरा स्टेप, स्टेप थर्ड, यदि यदि स्टेप वन बराबर हो जाए स्टेप टू के का रिजल्ट, आउटकम का बात कर रहे हैं, दोनों का आउटकम बराबर हो जाए, तब तब फोर्स डिफरेंशियल इक्वल, फोर्स जो होगा, फोर्स जो होगा वो परफेक्ट डिफरेंशियल होगा, क्या होगा परफेक्ट डिफरेंशियल होगा। बात समझ में आया, हाँ तुम देखो, नोटिस करो, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय टू आया है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई आया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई आया, जब दोनों सेम हो जाए, यहाँ देखो ये भी जो है और ये भी वो जो है, दोनों क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो ये जो है और ये जो है, दोनों क्या है सेम है, इसका मतलब ये क्या है परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस समझ में आ गया, तो मोटा मोटी हम रिकैप कर रहे थे, क्या बोले हम, बोले यदि कोई फोर्स एफ है उसमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे फंक्शन अभी बताया था क्या, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करना है, करो 2xy dx। ठीक है, इसमें क्या करना है, y को कांस्टेंट मानना है, सब कांस्टेंट बाहर निकाल दो, बच गया x dx, फिर क्या करना है इसको सॉल्व करना, तो एक्स स्क्वायर बाय टू हो गया, इसको काट दो, यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर वाई हो गया, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप में क्या करना है, इसको काम करना है एक्स स्क्वायर डी वाई, अब बताए थे y को छोड़ के सबको कांस्टेंट मानो, y है ये नहीं है, ये तुम्हारा क्या हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, इसका क्या इंटीग्रेशन हो गया y हो गया, तो यहाँ a और ये दोनों, ये दोनों जब सेम हो जाएगा तो इसका मतलब यस, ये परफेक्ट f जो है परफेक्ट डिफरेंशियल है, परफेक्ट डिफरेंशियल है। बात क्लियर है यहाँ तक, बात क्लियर है नहीं क्लियर है, हुँ? ठीक है, जैसे एक फोर्स देते हैं, बताओ ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स इक्वल दिया हुआ है 3x² yz i कैप प्लस x³ zj कैप प्लस x³ yk कैप, यह है फोर्स, इज दिस फोर्स
इज कंजर्वेटिव और नॉट, ये कंजर्वेटिव हो या नहीं होगा बताओ, ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, हम क्या बताएं? यदि फोर्स डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, डिफरेंशियल परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, यदि ये फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा तो वो क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। यदि फोर्स, हम क्या बताए थे सॉल्यूशन देखो, यदि फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, और परफेक्ट डिफरेंशियल क्या होना पड़ेगा, इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। इसे इसका देखो पहला वाला का, ये क्या है तुम्हारा एफ एक्स है, ये हो गया तुम्हारा एफ वाई, और ये हो गया एफ जेड। स्टेप वन एफ एक्स निकालो डी एक्स के, स्टेप टू एफ वाई निकालो यहाँ से एफ ये एफ वाई डी वाई, और यहाँ तीसरा में बना करना है, जब तीन को फंक्शन है तो तीन को निकालना पड़ेगा, तीनों इसमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्स को छोड़कर सभी कोष्ठक मानो, एक्स को छोड़ कर, छोड़ सही लिखे क्या, छोड़ होता है, छोड़ होता लिखिए, छोड़ होता है ना, कैसे होता है, कौन बोला दादा, तो दौड़ हो गया रे पकड़ा, ओ अच्छा ठीक भाई, तो लिखे यार ऐसे तो लिखे छोड़ ऐसे, ओ ईड़ो होता है, हम छोड़ लिख रहे थे बार बार, छोड़ कर एस को छोड़ कर सभी को कांस्टेंट मानो, क्या मानो कांस्टेंट, ठीक। इसमें बताओ वाई को छोड़ कर, वाई को छोड़ कर सभी को कांस्टेंट मानो, सभी को कांस्टेंट मानो। इसमें जेड को छोड़ कर, जेड को छोड़ कर सभी को कांस्टेंट मानना है, सभी को कांस्टेंट, ठीक है। दो सॉल्व करते हैं, क्या है थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड डी डी एक्स, ठीक। एक्स को छोड़ के, यहाँ एक्स है इसको छोड़ दो, जो सबको कांस्टेंट मान लो, मतलब थ्री कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट, सबको बाहर निकालो, तो थ्री हो गया, वाई हो गया, जेड बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। सॉल्व करो यहाँ पे थ्री वाई जेड, और इसको क्या हो गया सॉल्व करने पे, एक्स क्यूब बाई थ्री, थ्री थ्री कट गया कितना आ गया, एक्स क्यूब वाई जेड आ गया, ठीक। इसको अब सॉल्व करते हैं, वो कितना है एक्स क्यूब जेड और डी वाई, y को छोड़ के, इसमें y नहीं है, सब कांस्टेंट मानो, तो इसका ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, बाहर निकालो x क्यूब z बाहर निकाल दिए dy, वाई सॉल्व कर दो यहाँ से x क्यूब z, और ऐसा सॉल्व करेंगे तो y हो जाएगा। चलो यहाँ देखो, ये fz है x क्यूब y dz, z को छोड़कर सभी कांस्टेंट मानो, यहाँ पे सब कांस्टेंट है, तो x क्यूब कांस्टेंट है, y कांस्टेंट, बाहर निकालो dz, क्या गया x क्यूब y z आ गया। देखो ये बराबर है, अलग अलग है, एक्स क्यूब वाई जेड, एक्स क्यूब वाई जेड, ठीक सेम है, तीनों सेम है, तो तीनों सेम है तो यस, आंसर क्या आएगा, यस दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार करो।